राम का धर्म नहीं निभा पाए रामचंद्र। राम का नाम सुनते ही हमारे जहन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तस्वीरें उभरने लगती है और माता पिता की सेवा के साथ अपने राज्य के सभी लोगों का किस तरह से ख्याल रखा जाए, इसका भी सबसे अच्छा उदाहरण बने थे श्री राम। लेकिन इन दिनों कलयुगी राम ने अपने पिता को 20 सालों से दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया है। यह कहानी है ब्राह्मणों का गूढ़ा अंबेरी निवासी बुजुर्ग नारायण लाल जोशी की। बकोल नारायण लाल धन के लोभी और लालची बेटे ने अपने पिता को 2 बार केरोसिन डालकर जला डाला, लेकिन नियति को शायद नारायण लाल का मरना मंजूर नहीं था, इसलिए मौत को मात देकर एक बार नारायण लाल फिर जी गए। इस घटनाक्रम के बाद नारायण लाल ने अपने बेटे रामचंद्र को अपनी जायदाद से बेदखल भी कर दिया और इसकी आम सूचना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवा दी। लेकिन जमीन जायदाद का लालच रामचंद्र से नहीं छूटा और अपने पिता के साथ आए दिन मारपीट करते हुए खाली दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाने का खूब प्रयास किया, साथ ही जान से मार देने तक की धमकी भी दे डाली, जिसे पाल पोस कर बड़ा किया, चलना सिखाया। आज वही बेटा अपने पिता को जान से मारने की धमकी दे रहा है, वह भी जमीन जायदाद के लालच में। ऐसे में रामचंद्र की बेटी ज्योति भी पढ़ लिख कर वकालत करने लगी और कानूनी दाव पेच समझने भी लगी, लेकिन किसे पता था कि बेटे के साथ अब उसकी बेटी भी जायदाद के लालच में वकालत का रोब दिखाते हुए हिस्सा मांगने लगेगी। बुजुर्ग पिता ने अपनी जमीन जायदाद का कुछ हिस्सा बेटे के नाम कर भी दिया और बेटे से यह आश्वासन भी मिला कि अब उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन रामचंद्र का जमीन जायदाद का लालच थमने का नाम नहीं ले रहा और अब बेटे के साथ बेटी को भी सारी जमीन जायदाद चाहिए। इसी वजह से रोजाना पिता के साथ मारपीट भी की जाती है। दर दर की ठोकरें खाते हुए बुजुर्ग नारायण लाल जोशी पुलिस महानिरीक्षक विनीता ठाकुर के पास पहुंचे और अपनी आपबीती सुनाते हुए एक बेटे के कहर से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। आप खुद सुनिए क्या कुछ हुआ बुजुर्ग नारायण लाल जोशी के साथ। नारायण बा, कई बात है, या दशा क्यों हुई, कई बात है, क्या हुई है? बेटे हपूच गए तो राम शंकर कौन? राम शंकर मारे बेटे मुझे छेटो आज विश्व मार तो आयो बेटो मारी रो। हाँ, कई नाम है बेटा रो? राम शंकर। कई करे है? कई करे क्या कही है? कही नौकरी करे कि मैंने मारी रो विश्व भर क्यों थाने को कही ले जागीर ले दीजिए जगह थाना खुद खरीदी लगी है क्या? मैं खरीदी थी की जगह माजी है पांची खींची सब बेचा रहे। हाँ। वो फिर नहीं मैं लेऊंगा सब। अच्छा, वो थाने ला रहे मारपीट करे? मारपीट करी रो लगे माते बजी रही है पोचिया जी बाजा पट गई रही है। कई नाम है पोती रो? पोती रोची नाम है। कई करे या वकील पड़ो करी रही है? यही कूटे थाने? यही कूटे रही है सेवाली कूटे रही है थाने ला मारपीट हुई रही है? हाँ बिल्कुल मार बीच भेजे मारी दशा वगैरह दीजिए अन्य है न पानी अन्य माँ ध्यान लेने माने लिया है कोई भेसा करो बोला नहीं एक जोरो रोटी दे रो है यहाँ मार पच्चीस लाख मार दो थाने ये पोतिया जो है ये भी थाने कूटे कूटे जी है ना कई कई नाम है ना रो ज्योति नाम है और वो क्या नाम सेपाजी नाम है। अच्छा ये दो ही कही है? ये माता बजे हमेशा एक डोगरा बाहर निकल नहीं तो मोटरसाइकिल के बांध के अभी मारूंगा यो करूंगा मैं बेटा मत मारो मैं कह की तू था कि मेरी जमीन मेरे को दो। अच्छा गाली गलौज भी करा था ना? गाली गलौज कर दीजिए डोगरा तेरी बहन अब मैं क्या कहूँ आपके सामने। अच्छा अच्छा। हाँ? और दूसरी था जागीरदार हो अदरी जगह आज ऐसा घर में क्यों ऐसी कई कारण ऐसे कही कटे रवन दे यही मारू मारू ले लिए यो काचू घर भी ले। हाँ एक, एक मेरा है सब बोलो आप अब मैं कहीं ठिकाने रहा हूँ कहीं करूँ गरीब तो रोटी दे रो जो ही कह रहे उसको मारूँ कहीं सोचे मारूँ यानी माँ मारे बाजे ना के दीदी है। अच्छा आज था अरे ऑफिस में आईजी मैडम पास गया। हाँ तो क्यों गया? गया पैसों करवा कहीं क्यों ना मैडम ने थाना मारपीट था क्यों मान लाल मारपीट करे कहना क्यों आईजी मैडम पास नहीं गया था? हाँ गया ना तो भैया मैडम होने की थी थाने की नहीं की थी जी का नहीं लोग कमजोर हो गया बाहर निकाल दो कहीं अब मां से बोले ही नहीं मैंने अशोक हरान। अच्छा मैडम यू बाहर निकालो यू? हाँ ऐसा बुढ़ा को कैसे लाए आप ए राम 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 बने। अच्छा थारी बात होनी नहीं कुल मिले। हाँ अच्छा अच्छा होनी नहीं अब रोज कतरा दिन में पानी लाके मार मुड़ो है कतरा दिन में कतरा दिन में गया थाने लड़ाई मारपीट बता बता 20 वर्ष में क्या
रोज ये मारपीट करी। 20 साल हो गया, दो पहला नंबर से पहला दो रुपए तो मैं बेदखल कर दिया। झगड़ो की तो नहीं, कई की तो कहीं नहीं। अरे जो बेटो थाने लारे मारपीट करे कई नाम अंडो रामचंद्र। अच्छा अरे कई की पहला कई की तो थाने लारे घास ये तू बायो केरोसिन ना क्यों केरोसिन ना के जगा दिया दो रुपए अनि मां बांग तू पकड़ी फेंक दी थी अपनी लाली है जो कंठ में पकड़ी मैंने पकड़ दी जो के जो अभी खत्म कर दूं बोलो उसने खत्म कर दिया। अबे अबे काम करो आपने जो मुख्यमंत्री जी है अशोक जी वो आज और निवेदन करो कि भाई मारी मदद करो सरकार वाला मेरी मदद करो पर मैं बिल्कुल मर गया हूँ जागीरदार साहब लेके रोटी नहीं खा सकता हूँ। नौकरी सेवा मैं खुद कर रहा हूँ, नौकरी लेटिंग में नाग रहा हूँ, मैं कपड़ा धो रहा हूँ, मैं उसके पेशाब कूद रहा हूँ, कोई राम राम नहीं करे। कशो बेटा सेवा करी रो ये छोटको बेटो और रोशन लाल। अच्छा ये सेवा करे, ये सेवा करे तो आना मारवा चालू हुआ। आना ने मारना चाहिए कौन कौन मारना चाहिए? रामचंद्र मारना सही हो और दुर्गा शंकर जी सेपा जी और वकील जा। हाँ अच्छा ये नहीं इसको खत्म करूंगा। कोई नहीं मारेगा, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ये एक वृद्ध व्यक्ति है, जमीन इनकी है, जागीर इनकी है, उसके बावजूद भी इनके परिवार में इनको इस ढंग से प्रताड़ित कर रहे हैं, तो तुरंत प्रभाव से आप कार्रवाई करें, मेरा आपसे यही निवेदन है। इस वीडियो बनाने के पीछे यही महत्व है कि कम से कम ऐसे इंसान ऐसे बुजुर्गों की कम से कम आपकी सरकार अनदेखी ना करे।